देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। सभी विषयों के जो प्रश्न हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो दोस्तों द्वारा हमारे व्हाट्सएप में भेजे गए हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते। देखिएगा, जीके में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछा था। तो प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना जो किया गया था 20 फरवरी 1957 को, कब किया गया था? 20 फरवरी 1957 को किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था इसमें थर्ड में लास्ट शिफ्ट में, देना बैंक और विजया बैंक को मिलाकर कौन सा, मतलब दोनों बैंक का विलय कब किया गया था? दोनों बैंक का विलय किया था 1 अप्रैल 2019 में। कब किया गया? 1 अप्रैल 2019 में किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव, क्या पूछा था? संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन है? बान की मून है। कौन है दोस्तों? बान की मून है। एक क्वेश्चन और था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन या मतलब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी भाग लिए थे। तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, और क्या क्वेश्चन पूछा था इसमें? क्वेश्चन पूछा था डांस दिवस, क्या पूछा था? डांस दिवस कब मनाते हैं? तो 29 फरवरी को मनाते हैं। क्या डांस दिवस? क्या दोस्तों, क्या पूछा था क्वेश्चन दोस्तों? डांस दिवस। तो डांस दिवस कब मनाते हैं? 29 फरवरी को मनाते हैं। एक क्वेश्चन था आउटपुट डिवाइस, उसमें दोस्त ने बताया कि उसमें ऑप्शन था प्लाटर, तो प्लाटर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। एक क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी से, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है किस सन में बताया आया था? 1956 में। क्या 1956 में आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। एक क्वेश्चन आया था इसमें, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन था। देखिए अब अगर लगता है, हिंदी से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? हिंदी से ध्यान देखिए, एक क्वेश्चन था हिंदी में, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरोहित में पूछा था कौन सा उपसर्ग है, तो ये पूरा उपसर्ग होगा। क्या होगा? पूरा है। एक क्वेश्चन था हिंदी, सावधानी में प्रत्यय है, तो सावधानी में क्या प्रत्यय होगा? ई प्रत्यय हो जाएगा। मुहावरा पूछा था उसमें, जस दूल्हा तस बनी बरात, क्या जस दूल्हा तस बनी बरात, मतलब सभी साथी एक समान, क्या होगा इसका? सभी साथी एक समान। विलोम और पर्यायवाची शब्द, मतलब विलोम से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यायवाची से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिनका भी अगले शिफ्ट में पेपर होने वाला है, कल पेपर होने वाला है, परसों पेपर होने वाला है, मतलब आगामी पेपर है जिनका, विलोम शब्द और पर्यायवाची पूरा रिवाइज करके जाएं। देखिए और क्या क्वेश्चन देखते दोस्तों कि क्या क्वेश्चन और है। देखिए साइंस से क्या दोस्तों, साइंस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्या दोस्तों आपको बताना, साइंस से क्या क्या क्वेश्चन? देखिएगा एक क्वेश्चन है साइंस से, मानव हृदय में कक्षक, क्या दोस्तों मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? 4 कक्षक होते हैं मानव हृदय में। अशुद्ध, क्या बोल रहे हैं? अशुद्ध रक्त संचार किसमें होता है? पल्मोनरी धमनी में। किसमें? पल्मोनरी धमनी में होता है अशुद्ध रक्त संचार। तो ये आपको याद, साइंस से इतने ही क्वेश्चन पूछे, मतलब इतने क्वेश्चन भेजे गए हैं व्हाट्सएप में। अगर आपका भी पेपर है तो आप भी क्वेश्चन भेजिएगा व्हाट्सएप में, है ना। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए साइंस से इतने क्वेश्चन थे दोस्तों। अब देखिए इसमें मैथ ओरिजिनिंग की अगर बात करें, मैथ ओरिजिनिंग में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? देखिए एक क्वेश्चन था मैथ में आया था, व्हाट्सएप में भेजे दोस्त लोग, तो वो क्वेश्चन था दोस्तों कि 4800 रुपये 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन, इसको आप कर लीजिएगा। मतलब ये मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, CISI से आ रहे हैं, अनुपात समानुपात मिश्रण से, यहाँ से क्वेश्चन, मतलब सिंपल मैथ आ रहा है। क्या मैथ जो है सिंपल आ रहा है। अब ये एक क्वेश्चन पूछा था, 12 लड़के 1/3 काम को 8 दिनों में करते हैं, तो 16 लड़के काम को कितने दिन में करते हैं? इसको कर लेना है, इस प्रकार करना है, 12 लड़के 1/3 काम हो जाएगा 8 दिनों में करते हैं, है ना। तो 16 लड़के कितने दिनों में काम करेंगे पूरा काम? तो कर लीजिएगा, 8 × 2 = 16, 6 से कट जाएगा, 36 = 18, 18 दिन में करेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है, क्या करना है? इस प्रकार से दोस्तों आपको करना है। एक क्वेश्चन था अभी, चलिए कंप्लीट हो गया दोस्तों। एक बता देते हैं आपको यहाँ से, हम साइंस में क्वेश्चन और पूछा था दोस्तों ने बताया था, कार्य का एसआई मात्रक, क्या कार्य का एसआई मात्रक? तो कार्य का एसआई मात्रक है जूल है। क्या दोस्तों? कार्य का एसआई मात्रक पूछा था जूल है। क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल, ये पूछा था। और पूछा था दोस्तों बल का, क्या पूछा था? बल का सीजीएस मात्रक पूछा था, एसआई। देखिए अगर बल का एसआई मात्रक पूछा गया न्यूटन, लेकिन बल का सीजीएस मात्रक पूछा था, आपको बताना है डाइन। क्या बताना है आपको? डाइन बताना है। देखिए जो पेपर का एनालिसिस हो रहा है, मतलब अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं और करंट अफेयर से क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन हमको मिले नहीं है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी देखिए मैथ से क्वेश्चन आ रहा है बेसिक मैथ आ रहा है, रीजनिंग से आ रहा है बेसिक, रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है रीजनिंग में वो है सीरीज से, किससे है? रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय, सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन क्लॉक के हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन कैलेंडर के हैं। तो इन जो टॉपिक है रीजनिंग में,
सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, इन टॉपिक को आप और कोडिंग डिकोडिंग चार टॉपिक पढ़ के जाइएगा, बाकी सभी चीज़ें बेसिक है ना। तो और माइनस मार्किंग है तो ध्यान रखें, ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें, मतलब जितना करें उतना, मतलब जितना आपसे आता है उतना अटेंड करें, क्योंकि माइनस मार्किंग है। चलिएगा, जय हिंद।